नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस में। और आज कुछ फिजिक्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जो आने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षा में बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। मैग्नेटिक यानी चुंबक से, यानी चुंबकत्व से आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और 30 से 25 क्वेश्चन लगभग में, अप्रॉक्स 25 to 30 क्वेश्चन आप लोग के लिए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाली एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को, ठीक है? ऑप्शन वाइज मैंने बनाकर लाया है, और एक एक करके मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखते जाऊंगा और आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है J2^-1। तीसरा क्वेश्चन है किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है वो होता है एक सदिश राशि। चौथा क्वेश्चन देखिए, ठीक है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका MB, ठीक है? आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और अगर मैं क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर दूँ तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में चलता हूँ। और पाँचवें क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, ये देखिए, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है? A m^2 या am² आप लोग बोल सकते हैं। और छठा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यदि किसी चुंबक की लंबाई को लंबवत दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसका मान अपरिवर्तित रहेगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव प्रावलय का। और सातवां क्वेश्चन है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM संबंधित होता है, तो LM = 5/6 LG, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक सेकंड वेट कीजिए, ये आपका आंसर हो गया LM = 5/6 LG। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए और आने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा में बिल्कुल गेसिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? और ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा ये तो आपको एग्ज़ाम में बैठने के बाद पता चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कन्फर्म, ठीक है? तो चलिए, 30 क्वेश्चन है आप लोग के लिए और आठवें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है, और इसका अनुपात होता है 2:1, ठीक है? 2:1, जिसको 2:1 हम लोग बोल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य, और ये होता है 1 MB, ठीक है? अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाया जाता है तो कार्य होता है 1 MB। और अगला क्वेश्चन, दसवें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और दसवां क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में BH में यदि यानी किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति n हो तो इसका आंसर है n², ठीक है? प्रोपोर्शनल समानुपाती BH, ठीक है? n² समानुपाती BH। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक चुंबकीय सुई असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है तो सुई अनुभव करेगी, और इसका आंसर हमने बनाया कि एक बल और एक टॉर्क, ठीक है? टॉर्क एक होता है जिसको हम लोग ऐसे इस टाइप से सूचित कर सकते हैं, ठीक है? इस टाइप से थोड़ा सा। तो प्रश्न है कि एक बल, एक चुंबकीय सुई असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है तो सुई अनुभव करेगी, और इसका आंसर हमने लाया एक बल और एक टॉर्क। चुंबकीय फ्लक्स बटे विद्युतीय फ्लक्स की बीमा होती है, और इसको हमने लाया T L^-1, जिसको हम लोग बोल सकते हैं T L इन्वर्स। चुंबकीय फ्लक्स एवं विद्युतीय फ्लक्स की बीमा है T L इन्वर्स। और 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुंबक के टैन ए तथा टैन बी स्थिति में अल्फा दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र यदि क्रमशः B1 तथा B2 हो तो, और इसका आंसर हमने आप लोग के लिए लाया है, ठीक है? इसको B1 = μ0 4π/2mD^2 - L²^2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? और B1 = ये हुआ कि B1 = μ0 4π/2mD^2 - L²^2, ठीक है? और B2 = μ0 4π/mD^2 + L²^3/2 2^3 B2 = μ0 4π/4π/mD^2 + L²^2 2^3/2। तो कितने क्वेश्चंस हो गए आप लोग के? 13 क्वेश्चंस। और 14 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और देखिएगा, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
कुछ पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कम है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति देखिएगा ऋणात्मक होगी। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये मैंने लिखा ऐसे करके, कुछ पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कम है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, और ये होगी आंसर लाया हमने ऋणात्मक। लोहे का परमाणु होता है लौह चुंबकीय, ठीक है, लोहे का परमाणु है लौह चुंबकीय। तांबा होता है, तो देखिएगा तांबा होता है और इसका आंसर हमने लाया है प्रतिचुंबकीय, तांबा एक प्रतिचुंबकीय होता है। निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होगी और इसका आंसर होता है लोहे की, लोहे की चुंबकशीलता जो है बहुत उच्च मानी जाती है। और 18 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु का अधिक उपयुक्त है, तो एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। नीचे जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसके नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, ठीक है, ऐसे सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप उसको क्लिक कीजिएगा वो ब्लैक होकर सब्सक्राइब्ड लिखा जाएगा, ठीक है, और फिर सब्सक्राइब लिखाएगा, सब्सक्राइब लिखाने के बाद एक छोटी सी बेल बन जाएगी, ये नोटिफिकेशन बेल होता है, इस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, और चलिए आगे देखिए, और अगला क्वेश्चन है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है और इसकी प्रवृत्ति होती है ऋणात्मक। ठीक है, और देखिएगा द्रव और गैस, तो द्रव और गैस जो है, और इसका आंसर होता है द्रव और गैस लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते। 10 क्वेश्चन और है और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, और जब आपके 12th के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे क्लियर तो आप हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस पे बैंकिंग, SSC, CGL, BPSC, UPSC और भी स्टडी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे आ सकते हैं। इन सारे चीज़ों के भी वीडियोस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन कुछ कुछ कम हैं और वो धीरे धीरे जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो इनके वीडियोस ज़्यादा आप लोगों को अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से आइए, और 10th 9th का तो कम क्वेश्चन डालेंगे नहीं, 10th का भी क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को, 11th 12th सारे क्वेश्चन। इतना आप लोग के लिए ड्रीम क्लासेस का टारगेट है, बैंकिंग, SSC, BPSC, CGL, UPSC, 10th 9th 11th 12th, और आप इसमें एक और ऐड कर लीजिए, रेलवे का भी कुछ कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे ज़रूर आइएगा जनरल स्टडी करने के लिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 21 नंबर से, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं, जल्दी जल्दी चलिए। निम्नलिखित में से किसी वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है और इसका आंसर है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक, हाँ यही आंसर होगा इसका, कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, इस पे थोड़ा डाउट है, इसको रहने दीजिएगा, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वैसे यही होगा आंसर आप लोग का, और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और चुंबकीय यम वेक्टर के बीच संबंध होता है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 4π यम वेक्टर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है स्थिर, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है, और निकेल है, निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, और सैसिल्य, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, और ये प्रदर्शित करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ को, और थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, तो नमन कोण का जो मान होता है वो उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पे घट जाता है। इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा कि नमन कोण जो होता है उनकी जो वैल्यू होती है वो जो उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर अगर वो चलते हैं, जैसे एक पृथ्वी का मैप है तो ऊपर वाला पोल जो होता है वो उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव, और विषुवत रेखा जो होता है बीच में खींची होती है, तो अगर यहाँ जो पोल का स्टार्टिंग होता है यहाँ से अगर इधर आते हैं तो नमन कोण का मान जो होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये जो कोण बनेंगे वो 45, 30, 40 इस टाइप से, तो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से नीचे विषुवत रेखा की ओर यहाँ आने पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ अगर 90 बन रहा है, ये देखिए ये 90 बना, अगर यहाँ से कोण बनाइएगा तो सिंपल सी बात है 30, 20। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है,
चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है, और इनका आंसर है चुंबकीय निरक्ष पर, ठीक है। और सही संबंध बताइए। तो देखिए सिर्फ डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं, ये जो है बी नंबर, इसको आप लिख लीजिए। और अगला क्वेश्चन चलते हैं थोड़ा। धरती के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री, ठीक है। धरती के चुंबकीय क्षेत्र पर, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। और आखिरी क्वेश्चन है, किसी स्थान पर आभासी नमन कोण सदा, और इनका आंसर होता है यथार्थ नमन होता है, ठीक है। और करें किसी स्थान पर आभासी नमन कोण सदा अर्थार्थ नमन कोण से अधिक होता है, ये आपका आंसर हो गया, अर्थात नमन कोण से अधिक होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, और आप अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे इस टाइप की वीडियोस के लिए, और उम्मीद है। और देखिए अभी और भी मैंने आप लोग के लिए वीडियोस बनाया है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए 2 नंबर वाले, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो फिर दोबारा सब्सक्राइब नहीं किया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा।